लेकिन उस रोज पंजाब को बाकी देश से काटने की शुरुआत हो गई। ट्रेनें बंद कर दी गई, शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया और आधी रात को मंदिर के भीतर और बाहर से जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई। मैं तो समझदी हां भी वो इस करके गोलीबारी हुंदी रही भई देखिया जावे भी अंदर इन्हां कोल केड़े केड़े हथियार ने ते किथे किथे मोर्चे ने टेस्ट करन वास्ते। 9 बजे पूरे राष्ट्रपति दे दखल देन दे नाल जिहड़ा वो जिहड़ा गोली जिहड़ी चल रही सीगी वो बंद होई। 5 जून को पुलिस की गाड़ियों में भरकर पत्रकारों को भी अमृतसर से बाहर कर दिया गया। सरकार को मालूम था कि जो कदम वो उठाने जा रहे हैं उसमें आम राय बन पाना नामुमकिन होगा। मेरा ख्याल है कोई 3-4 दिन पहले ही ते भगत सी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर वो दी फोन आए कि जी मैं तुम मिलना चाहना। मैं कहा आओ। कहते जी मैं मिस्टर गांधी ने भेजा, कहते दसो कि अंदर जाइए कि ना जाइए। मैनू कोई समझ नहीं आई। मैं क्या एकदम जे आ जाए, मैं क्या की मतलब थोड़ा अजय मतलब है कि असी फौज अंदर भेजिए कि ना भेजिए। मैं क्या कदी ना करना। ये सोच प्रबल थी कि किसी भी कीमत पर आतंक का सफाया करना है। This was a very unusual thing for India that the army had sealed off an entire state and the press had been expelled from there. स्वर्ण मंदिर में छिपे आतंकी भरपूर मुकाबला कर रहे थे। उनके पास एक से एक अत्याधुनिक हथियार थे। सेना को निर्देश थे कि स्वर्ण मंदिर में दाखिल नहीं होना है और किसी भी कीमत पर मंदिर परिसर को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आतंकवादियों को तो वहां पे नहीं होना चाहिए था। और अब जब हमारे लोग अंदर गए, दोनों तरफ से फायर आ रहा है हमारे जवानों के ऊपर और मेरे ऑर्डर थे उनको कि आप हरमिंदर साहब की तरफ फायर नहीं करोगे, तो हरमिंदर साहब को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दी कईयों ने, लेकिन हरमिंदर साहब की तरफ फायर नहीं किया उन्होंने। और अगर कुछ गोलियां लगी हैं हरमिंदर साहब से, दोनों तरफ से जो आतंकवाद फायर कर रहे थे उनकी गोलियां लगी, हमारी नहीं लगी उसमें। जनरल ब्रार खुद सिख थे, उन्हें स्थिति की संवेदनशीलता का एहसास था। इस पूरे ऑपरेशन में कई सिख सैनिक शामिल थे, लेकिन सेना के संस्कारों में धर्म नहीं राष्ट्र धर्म अहम है। इतना साफ हो चुका था कि ऑपरेशन की कामयाबी के लिए परिसर में दाखिल होना ही होगा। 5 जून की रात 10:30 बजे, तय वक्त से आधे घंटे देर, जवान स्वर्ण मंदिर के मेन गेट से भीतर पहुंचे, लेकिन आतंकियों की ताकत को उन्होंने कम करके आंका था। मंदिर की दीवारों के पीछे से न सिर्फ मशीन गन गोलियां उगल रही थी बल्कि सैनिकों पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड भी दागे जा रहे थे। अकाल तख्त में दाखिल होने की हर कोशिश नाकाम होती रही। पहले 2 घंटे में ही 17 जवान शहीद हो गए। तो अब हमको ये फिक्र था कि अगर ये ऑपरेशन जल्दी ख़त्म ना हो और खबर पहुंच जाए बाहर कि हमला शुरू हो गया है और वो लोग अपने बंदूकों के साथ और तलवारों के साथ हजारों में और लाखों में स्वर्ग मंदिर की तरफ आए तो क्या नतीजा होगा। अकाल तख्त की खिड़कियों को ईंटों से ढक दिया गया था जिसके बीच में गन पोजीशंस बनाई गई थी। भले ही भारतीय सैनिकों की तादाद आतंकियों से कहीं ज्यादा थी, उनके पास बराबरी के हथियार थे और सबसे बढ़कर अकाल तख्त की ढाल जिस पर भारतीय जवान तो वार नहीं कर सकते थे लेकिन जिसकी आड़ लेकर आतंकी दनादन गोलियां बरसा रहे थे। शाहबेग सिंह ने उन्हें गुरिल्ला युद्ध में ऐसा पारंगत किया था कि जल्द कुछ सोचना जरूरी था। कई जाने गंवाकर सैनिक जब तक अकाल तख्त के नजदीक पहुंचे सवेरा हो चुका था। जनरल ब्रार के सामने विकल्प अब खत्म हो रहे थे। तब एक अकल्पनीय फैसला लिया गया। सुबह 7:30 बजे 3 विकर्स विजयंता टैंकों ने दनादन गोले बरसाकर अकाल तख्त की दीवार ढहा दी। बहुत सख्त बहुत मुश्किल डिसीजन था ये, हमने ये इस्तेमाल करना चाहते थे। जब अकाल तख्त में बहुत प्रॉब्लम्स हुए तो फिर एक टैंक हम अंदर ले गए, उसमें एक बत्ती होती है जिनॉन लैम्प बोलते हैं हम उसको, वो बत्ती को हमने अकाल तख्त की तरफ
लगाया कि वो लोग उन थोड़ी बहुत ब्लाइंडनेस हो जाए और वो अच्छी तरह से देख ना सकें और हमारे आदमी अंदर चले जाएं। फिर ग्रेनेड और गैस के गोले बरसाते हुए जवान भीतर दाखिल हो गए। 12.5 घंटे में ऑपरेशन खत्म हो चुका था, लेकिन मंदिर की परिक्रमा का सफेद संगमरमर लहू से लाल हो चुका था। आतंक कुचला गया, लेकिन आस्था भी तार तार हुई थी। खूनी संघर्ष का खात्मा हुआ, लेकिन लहूलुहान सवालों की शुरुआत हुई थी। समर्थकों की नजर में भिंडरावाले की मौत नहीं हुई, एक शहीद का जन्म हुआ था। लेकिन सही मायने में पंजाब में आतंक के खिलाफ लड़ाई अभी और लंबी चलनी थी। गोल्डन टेंपल की लड़ाई तो खत्म थी, लेकिन भारत सरकार के खिलाफ आतंकियों के युद्ध की शुरुआत हुई थी। देश ही नहीं, दुनिया भर में ऑपरेशन ब्लू स्टार की गूंज सुनाई दी थी। कहीं इंसाफ की गुहार लगी, कहीं बदले का आह्वान हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने सिख भावनाओं को इस कदर आहत किया था कि कुछ आर्मी यूनिट्स में भी बगावत हो गई। इंदिरा को मालूम था, उन्होंने सिखों को नाराज किया है। सलाह दी गई कि अपने इर्द गिर्द सुरक्षा कर्मियों में सिख सैनिक न रखें। लेकिन पहले ही भेदभाव के आरोपों से घिरी इंदिरा ने एक न सुनी। तब इंदिरा जी को जब मालूम हुआ इस बात का, तो वो बहुत नाराज हुई कि उन्होंने कहा कि मैं तो हर धर्म का, हर मजहब का, हर लोगों का आदर करती हूँ, मेरे कोठी से किस तरह इनको हटा दिया गया। तो उसी वक्त उनके आदेश के मुताबिक फिर से सिखों को, ये सुरक्षा एजेंसी ने उनको हटा दिया था। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा को उनके अपने बॉडीगार्ड्स सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने गोलियों से